साथियों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्रीमती रानी अनबू मलार, जो कि 16वें नंबर 12 में रहती है। आज जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वीपों में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, KVK है, कृषि विभाग है, जो कि किसानों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, किसानों के कल्याण के लिए काम करता है। रानी मैडम काफ़ी अरसे से केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान से जुड़ी हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कैरी से जुड़ने के बाद उनका विकास हुआ, उन्होंने क्या कुछ सीखा। मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम। रानी मैडम, ये बताएं कि पहली बार आप कैसे कैरी के संपर्क में आई? सर, मैं एक एग्रीकल्चर मीटिंग में गई थी, तो उसमें काफ़ी कैरी का एक्सपर्ट साइंटिस्ट लोग आए थे, तो मुझे उनका साथ इंट्रोड्यूस हुआ। उसमें से मैं पहले बी सिंह सर थे, जो है फ्लोरिकल्चर में वो काम कर रहे थे, तो वहाँ पे 16वें में वो मीटिंग होने के बाद मैं उनसे बात करी कि हम कुछ करना है, तो मुझे पूरी तरह से वो सपोर्ट करे। 4 एकड़ में मैं फ्लोरिकल्चर करी थी उस समय, जैसा कुशेंद्रा है, मेरी गोल्ड है, ट्यूबरोस वगैरह पूरा मेरे को सपोर्ट करे थे। उसके बाद उसमें मुनाफा हुआ था, मैं उसमें 3 साल करी। उसके बाद जो है वहीं से मेरे को मशरूम का भी आइडिया मिला था, मशरूम करने का। मशरूम क्या चीज़ है, पहले मालूम नहीं था कि मशरूम क्या है, जंगल में उगाने वाला था करके सोची, लेकिन यहाँ पे केरी में आने के बाद उसका जो है हम लोग साइंटिफिक तरीका से कैसा करें, उसको घर में हम लोग कमर्शियल लेवल में कैसा करें, वो सारा नॉलेज मिल गया था मेरे को। तो मैं इसको पहले, फिर मैं कोशिश करी, यहाँ पे ट्रेनिंग मिला तो मेरे को 15 दिन का ट्रेनिंग मिला। किस चीज़ पर? मशरूम कल्टिवेशन के ऊपर। तो फिर मैं मशरूम भी शुरू करी, यहीं से मशरूम भी शुरू करी। उस समय मैं केजी 400 में बिक्री करती थी, 2004 में। अच्छा, काफ़ी पुरानी बात है। पुरानी बात है। तब से हमारा जो है, जो भी कुछ भी डाउट होगा तो मैं फ़ोन करी, पूरा साइंटिफिक तरीका से यहाँ पे हमको मिल जाता था, उसका बारे क्या क्या बीमार आएगा, उसको कैसे हैंडल करना है। मेरे को नॉलेज का कम था कि फील्ड में क्या क्या चाहिए, और हम फार्मर का बेटी थी। अच्छा। तो मेरे को फार्मिंग करने को पूरा इंटरेस्ट था, तो मैंने क्या करी, उसके बाद जो है आस्ते आस्ते अपना रोजगार बढ़ाने के लिए मशरूम करी, मशरूम करके फिर उसके बाद जो है पिकल का ट्रेनिंग करी। अच्छा, कुल मिला के कह सकते हैं कि आप जब से कैरी से जुड़ी हैं कुछ ना कुछ आप ट्रेनिंग करी, और उसके बाद उसको सही में करने के लिए आपने कोशिश की है, करके हम मुनाफा भी मुझे मिला, आज ये लेवल में है, तो मेरे को वहीं से सपोर्ट मिला। अच्छा, मैं गवर्नमेंट जो है नौकरी को ढूंढ के नहीं गई, जो भी है मेरे एक कॉन्फिडेंट था, हम कर सकते। अगर मेरा हाथ में जब कहती है, मेरा हाथ में जब स्किल्ड है, तो हम क्यों बाहर जाके कमाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोच है आपका। और वैसे भी बहुत सारे जो हमारी कृषक बहनें हैं या कृषक भाई हैं, वो अक्सर जो होता है ना, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम की जब बात आती है तो पीछे हो जाते हैं, यार मैं तो सब जानता हूँ, अब मैं खेती बाड़ी हमको कोई क्या सिखाएगा। तो ये बात एकदम गलत है, आपने साबित कर दिया। बहुत गलत है सर, उनको जहाँ भी जाते कुछ सीख के आना है। बार बार जो है सीखने का कभी कम नहीं होता है, हमेशा सीखते रहने की, काफ़ी नहीं है, हम जब तक है सीखने का मौका मिलता है, हम लोग जरूर सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने बी कीपिंग शुरू करी। बी कीपिंग में भी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, बहुत सिंपल है। हम लोग सोचते हैं, एक अगर सोचिए हम घर से निकलती सुबह तो एक जॉब जाती तो वापस 6 बजे घर पहुँचती, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, हमारे 1 घंटा 2 घंटा सुबह या शाम जब भी टाइम मिलता हम लोग स्पेंड करें, तो सारा एग्रीकल्चर में हम लोग को पूरा बेनिफिट मिलता है, बैठे बैठे काम करने वाले। ज़रूरत इस बात की है कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसको सीखें और उसके बाद उसको थोड़ा सा फॉलो भी करें। जी। तो देखिए, आप 16वें नंबर 12 में रहती हैं, कैरी पोर्ट ब्लेयर में है, आने जाने में भी दिक्कत होती है, लेकिन तब भी आपने कभी हेजिटेट नहीं किया, कभी परहेज नहीं करी। 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे सर लोग बोलते बराबर, मेरे को क्या है कुछ सीखने मिलेगा वहाँ पे। सही बात है। तो देखिए, आपने कहा कि मशरूम आपने 2004 में आपने किया था, उस समय आपने 400-600 रुपये किलो बेचा भी था। हाँ, तो वो तो उस समय तो ये जो लोग देखे होंगे उनके लिए भी नया था होगा, तो आपके देखा देखी कोई और इसको करने का कोशिश किया सर? इसका भी मैं उनको भी बहुत ट्रेनिंग दी, तो लेजीनेस सर, एक काम शुरू करने से उसको करने के लिए देखना है, तो आप कैरी वाले भी मुझे एक लेवल तक ही सपोर्ट करेंगे, उसके बाद हमको ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही है सर, को इंटरेस्ट जब तक मन से हम लोग काम नहीं करेंगे करने से। काफ़ी लोगों को मशरूम का ट्रेनिंग भी दी मेरे विलेज में। जी जी। अभी फिलहाल जाके 2 लेडीज लोग करते हैं, अभी जस्ट एक और कोविड का बीच में जो है उनको मैंने ये सिखाई,
उनको तभी मालूम हुआ कि कोविड ने इतना तकलीफ उठाई थी, हमारे हाथ में कुछ काम रहने से हम कुछ नहीं कर सकता था। तो उसके बाद उन लोग खुद आए कि मेरे को मशरूम करना है, तो उनको सपोर्ट कर रही है अभी। अच्छा, और मधुमक्खी पालन तो आप काफ़ी अरसे से कर रही हैं, अभी भी है आपका? जी है। कितने बॉक्स रखा है अभी आप? 5 बॉक्स है सर। 5 बॉक्स रखा है, इसको आप आगे बढ़ा नहीं रही? आगे बढ़ाने के लिए सर बॉक्स का भी कमी है, फिर जो है अभी जो है हमारा कॉलोनीज जो मिलने के लिए दिक्कत होता है। अच्छा, तो हम ट्राई कर रही है सर। तो ये जो रीज़न भी है सर, वो क्यों ज़्यादा मुनाफा में नहीं कर सकता, क्यों बोले से अभी जो जो भी खेती वाले लोग देते, खेती वाले लोग रहते वो जो है जो बाहर वाले को लीज में दे देते, तो उन लोग अंधाधुंध जो है दवाई मारते, उसका वजह से लोग भाग जाते हैं फ्लैट, इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो कॉलोनीज आप लोग खुद उससे नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं? मल्टीप्लाई नहीं करती है। अच्छा, तो ये जो बी कीपिंग आपने जब शुरू किया था, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी थोड़ा सा लोग इसमें डरते हैं। तो आपके संग कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसमें आपको मक्खियों ने काटा हो, कुछ हुआ? हर काम में तो परेशानी है, परेशानी है। अगर हम लोग पातू भी खोते तो पैर में लग जाता, वो भी परेशानी है। जी जी जी, वैसा इसमें परेशानी है, लेकिन हम लोग हैंडल करना चाहिए, साइंटिफिक वे से हम लोग सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। मास्क पहन लो आप, ग्लव्स पहन लो, उसके लिए जो है प्रिकॉशन जो भी है वो फॉलो करके निकाल सकते, कुछ नहीं है। और थोड़े दिन के बाद तो फ्रेंडशिप फ्रेंडली हो जाता है, मैं तो मास्क भी नहीं पहनती थी, ऐसे ही हम कर लेती। अच्छा, जो 5 बॉक्स आपने रखा है, आपको एक एवरेज कितना इसमें मधु मिल जाता होगा? 6 महीने में एक बार निकालती सर। नहीं, मेरे को 15 kg तक मिल जाता है। 15 किलो तक मिल जाता है, और मार्केट में इसका डिमांड भी है, और बहुत डिमांड है। तो मतलब इससे आपको मतलब इकोनॉमिकली या आर्थिक तौर पर अच्छा फायदा होता है? बहुत अच्छा फायदा होता है सर। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी मेरे ख्याल से नहीं है, एक बार आपने बॉक्स बना लिया, बॉक्स रख दिया, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ नहीं है। जब हम लोग रोज जाएंगे तो हम लोग को मालूम हो जाएगा उसमें काम नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप छोड़ देते, उसको देखभाल करने छोड़ देते, तो आपको दिक्कत होगा। अच्छा, अगर रोज उसका साथ जाके उसको थोड़ा क्लीन करते, उसको बॉक्स उठा के देखते, जाके थोड़ा पानी वगैरह रख देते, तो साइड का क्लीन कर देते, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अभी एक देखिए, अभी कोई घर में रहते, एक फ्लावर पार्टी पॉट का फूल ही देखते, हम लोग रोज उठ के जाके देखते। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जब तक उसको अच्छे से केयर नहीं करेंगे, वो फूल नहीं खिलेगा, नहीं आएगा। वैसे ये भी एक चीज़ है। अच्छा, तो उनका साथ में जो हम लोग लगे रहे, कोई भी सर एग्जाम्पल, एक पेड़ है सोचिए, घर का बगल में रहेगा तो पूरा फलेगा। रीज़न क्या है, उनको भी जो हमारा जो महसूस हमारा जो है वो आवाज़ वगैरह सुनते हैं, उसी तरह उनको भी जो हमारे साथ में डिपेंड हो जाएंगे वो भी। अच्छा, तो देखिए जो अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो ऐसे में कभी कभी जो कहते हैं ना मक्खियों में कुछ दिक्कत होती है सर, दिक्कत होती है, एक दो प्रॉब्लम होती है सर उसमें जो है। बारिश का मौसम में जो है शेड वगैरह जो हम बनाते हैं, मधुमक्खी की पेटी बनाते हैं, उसमें छोटा सा छत वगैरह डाल के रखना है। अच्छा, या पेड़ का नीचे रखते, जब सुपारी पेड़ का नीचे रखेंगे या नारियल पेड़ का नीचे रखेंगे, तो पेड़ का वो जो पत्ती गिरने का चांसेस है, तो पेटी वगैरह टूटने का चांसेस है। और जो है उसमें भर्रा करके एक नाम का कीड़ा आता है, वो काफ़ी नुकसान, एक बार शुरू हो जाएगा तो बहुत तंग करे उसको, हम लोग सुबह सुबह ही निकलेगा। अच्छा, तो हम लोग वो टाइमिंग देके उसको जाके मार के वो करना है, हटाना पड़ता है। और बहुत बारिश होने से मक्खियाँ बाहर भी नहीं जाती हैं, तो उसके लिए आप लोग कुछ? जी सर, जैसा है उसमें से एक स्टेज रहता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बाहर आके काम नहीं करते, उसके लिए खाने के लिए सफिशियंट उनका जो हनी नहीं मिलता, उस समय हम लोग क्या करते हैं, चीनी पानी घोल के वो रख देते हैं, तो बच्चों के लिए कम हो जाता है। तो देखिए, आप पूरी तरह से जो कृषि विज्ञान केंद्र और जो केंद्रीय दीप्ति कृषि अनुसंधान संस्थान से जुड़ी हैं, जो कुछ टेक्नोलॉजी आपको मिल रहा है आप उसका इस्तेमाल भी कर रही हैं, तो आप जो गांव में रहती हैं, आपने कोई स्वयं सहायता समूह वगैरह बनाया जिससे दूसरों को भी आप ये सिखा सकें? जी सर, उसके बारे में बताने चाहती हूँ मैं। मेरे पास 15 SHGs है सर। अच्छा, 15 SHGs है? जी सर। ओके, काफ़ी लेडीज लोग हैं उसमें, लोग आजीविका के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको बहुत ट्रेनिंग देती हूँ सर, मैं खुद ट्रेनिंग देती हूँ सर। अच्छा, जैसा वर्मी कंपोस्ट का हो गया, अनीबी का हो गया, जैसा पिकल बनाने का हो गया, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जैसा पोषण माह का हो गया, ऐसा प्रोग्राम करते हैं। बराबर, आप उनके कांटेक्ट में रहती हैं है। और देखिए अभी ये जो माहौल चल रहा है, थोड़ा सा सबको तकलीफ होता है, तो आप लोग इसमें कुछ स्पेशल उनको कुछ सलाह देती हैं कि किस तरह से कुछ ना कुछ कमाएं, कुछ ना कुछ करें? जी सर, सपोर्ट एक दूसरा को कर रहे हैं? बराबर, मैं उनको जैसा कोविड में तो कहीं जाना नहीं, हमारे SHG मेंबर उनसे बाहर नहीं निकलना था, उनका साथ फोन में पूरा कांटेक्ट करती, और विलेज लेवल में जो अपना जो सेफ्टी बुला भी देते मेरे को, जैसा कुछ अभी मेरे SHG मेंबर काफ़ी मेंबर जो है जैसा बगीचा सब्जी वगैरह डाल के अंदर ही सेल करते थे, गांव के अंदर ही सेल करते थे, अच्छा बिक जाता था उनको। अच्छा, तो इस तरह कुछ ना कुछ काम करते हैं, गाय
गाय रखे हैं और वर्मी, अभी जस्ट वर्मी कंपोस्ट शेड दो बना के दी उनको मेंबर्स को, उसमें भी काफी फायदा होता है उनको। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट वो खुद भी यूज कर सकती हैं, बेच भी सकती हैं? बेच भी सकती हैं, क्योंकि आजकल इन सबका डिमांड है, बहुत डिमांड है सर। मैं 2007 में शुरू करी थी सर वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, बहुत ज्यादा करी थी हम, कैरी को भी हम सेल करती थी, बाकी बाहर में भी सेल हो जाता था। उस समय भी उसका रेट प्राइवेट में अच्छा रेट है सर, उसको 60 रुपीज है पर केजी, क्योंकि जो किचन गार्डन करते हैं जो, को हाँ, हम जमा करके उसमें से जो है यूजफुल बनाना है उसको, और जो नहीं कर सकते उनके लिए वो खाद की तरह वो बहुत बढ़िया है और मांग भी हमेशा रहती है। तो रानी जी, आप जो हमारी जो बहनें सुन रही हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरह से आप कैरी के संग जुड़ी और आपने लगभग जो भी टेक्नोलॉजी आपको मिला आपने उसका इस्तेमाल किया, उससे फ़ायदा उठाया, तो बहुत सारी बहनें जैसे आप खुद ही बता रही हैं घर पे रहती हैं, कुछ करने से कतराती हैं, दिल में भी एक डर रहता है, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी कि वे आगे आएँ और इसका सब फ़ायदा उठाएं? बहुत सारी स्कीम्स हैं, जरूर सर जरूर आना चाहिए। मैं इसलिए एसएचजी मेंबर्स बनाई हूँ, ग्रुप बनाई हूँ कि उनको बाहर आके चार काम सीखे। जैसा वो ज्ञान अभी 2002 से मैं इनका साथ जुड़ी हूँ, मुझे इतना ना आज यहाँ पे बैठ के बात करती तो इनका कॉन्फिडेंट है, मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ता है इसमें, जो है किसी से बात करना है, किसी से नॉलेज पूछना है। जब तक हम लोग पूछेंगे नहीं कोई किसी से कुछ मिलेगा, जब तक हम बाहर निकल के अपना हुनर नहीं दिखाएंगे तब तक कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो रानी जी, आज आपसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। आप कोशिश कर रही हैं कि जो कुछ भी टेक्नोलॉजीज, जो कुछ भी आइडियाज़ आपको मिले उस पर काम करें और उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सर, ये एक प्रेरणा का स्रोत है ज़रूर। हाँ। आप अरे सर, मेरा इतना एज होगी, इतना काम अभी जस्ट कोविड का पहले मेरा एक ट्रेनिंग मिला था यहाँ FFA का, जो है फार्मर फेलो, जो उसमें एक महीना का ट्रेनिंग था सर। मुझे लास्ट में एक जो है बकरी और बकरी का नॉलेज नहीं था, या मैं बकरी पालन कैसा करना करके मुझे ट्रेनिंग मिला। उसमें क्या है, मैं जैसा लॉकडाउन शुरू हुआ मुझे बोर लगता था घर में, फटाफट हम क्या करें शेड बनाई, हम और मेरे बच्चे लोग मिलकर शेड बनाई, शेड बना के जो है उसमें से बकरी छोड़ दीजिए। जैसा जो है कोविड में सबका माइंड जो है टेंशन में आ गया, क्या करना क्या नहीं करना, बैठे बैठे तो ज़्यादा टेंशन बढ़ता है, तो हम अपना माइंड भी डाइवर्ट कर सकते हैं इसमें, जो है अपना जो टेंशन रहता है उसको दूर करने के लिए ये सब एक अच्छा काम है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो रानी मैडम, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।